सोमया पोखरेल जब से खेसारी लाल के साथ वायरल हुआ है तब से बहुत ज्यादा दुश्मन भी उसके ऊपर लग चुका है। अभी तक खेसारी लाल के साथ सोमया पोखरेल कोई गाना नहीं निकाला है, कोई फिल्म नहीं निकाला है, फिर भी अब से ही दुश्मन उसके ऊपर लग चुका है। आप लोग एक गाना भी सुने होंगे, खेसारी लाल सोमया पोखरेल काजल राघवानी अमरपाली दुबे के ऊपर गाना मिला के गाया है, नया हीरोइन आया है खेसारी लाल के, सोमया पोखरेल टैटू गर्ल, इन सब के बारे में न जाने कैसा कैसा गाना निकाल दिया है। अभी तक सोमया पोखरेल खेसारी लाल के साथ पहुंचा भी नहीं है, उससे एक बार ही मिला है, एक बार ही बातचीत किया है, मगर ऐसा ऐसा गाना निकाल दिया है जैसा कि लगता है खेसारी लाल बहुत दिन से सोमया पोखरेल के साथ काम कर रहा है। अगर खेसारी लाल के गाना पर या फिल्म में आएगी सोमया पोखरेल तो उनसे काजल राघवानी के कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि काजल राघवानी भोजपुरी के सबसे सुंदर, सबसे क्यूट, सबसे टॉप हीरोइन उसे माना जाता है। सोमया पोखरेल जैसे बहुत हीरोइनी है भोजपुरी में, मगर काजल राघवानी के कुछ उखाड़ नहीं पाया तो भी काजल राघवानी के कुछ होने वाला नहीं है। नेपाल में टिकटॉक पर अभी तीन ही लड़के ट्रेंडिंग में चल रहा है, मगर इन तीनों में से सबसे ज्यादा वायरल कौन है और सबसे ज्यादा फैन फॉलोइंग किसका है, सबसे ज्यादा लोग किसे पसंद करते हैं, यही जानकारी इस वीडियो के भीतर में बताने वाला हूँ। देखिए, पूरे नेपाल में टिकटॉक पर अभी निभा यादव, प्रीति पासवान और सोमया पोखरेल छा चुका है, मगर इन तीनों में से सबसे ज्यादा फैन फॉलोइंग किसका है, सबसे ज्यादा वायरल कौन है? तो देखिए, आज से तकरीबन एक साल पहले सबसे ज्यादा वायरल था टिकटॉक पर प्रीति पासवान, और इससे भी कुछ दिन पहले निभा यादव पूरे नेपाल में टिकटॉक पर वायरल हुआ था, मगर अभी पूरे नेपाल में सबसे ज्यादा टिकटॉक पर फैन फॉलोइंग बहुत ही कम दिन में ज्यादा फैन फॉलोइंग सोमया पोखरेल के है। मतलब अभी 2022 में पूरे नेपाल में टिकटॉक पर सोमया पोखरेल के फैन फॉलोइंग सबसे ज्यादा है, मतलब नेपाल में सबसे ज्यादा वायरल गर्ल अभी सोमया पोखरेल ही है।